हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। अभी मैं आपको एक न्यूज देने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम होने वाला था 27 को मैथमेटिकल साइंस 25 to 27, तो वो एग्ज़ाम फिलहाल कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है cisir.net.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कीजिएगा। तो अभी जस्ट लेटेस्ट न्यूज आया है, कुछ के वेबसाइट पे लेट अपलोड दिखा रहा था, जैसे मैं खुद कोशिश कर रहा था तो अभी जस्ट आया है, पोस्टपोनमेंट ऑफ ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जाम जून 2024। तो इसको आप जब ओपन करते हैं तो आप डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे कि नोटिस आया है 21 जून को, जस्ट अभी अपलोड हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि 15 जुलाई को है एग्जाम सिटी अलॉट कर दिया गया था, फिर भी द कैंडिडेट आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट CSIR UGC नेट एग्जाम जून 2024 विजुअल शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन 25 जून टू 27 जून इज बिंग पोस्टपोन्ड ड्यू टू एन वायडेबल सर्कमस्टांसेज एज वेल एज लॉजिस्टिक इशूज। लॉजिस्टिक इशूज ये है कि अभी काफ़ी ज़्यादा NTA पर दबाव बनाया जा रहा है, NTA अभी नीट का भी जो भी स्कैम हुआ है, जो भी न्यूज़ आए हैं, इतने बच्चे परेशान हुए हैं। उसके अलावा अभी UGC नेट का जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, 19 जून को इसका भी कैंसिल हो गया था, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ऐसे प्रिडिक्टेबल था कि ऐसा कुछ होगा। बट आप अपनी मैं ये बोलूंगा कि अपने आप जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लेट होगा नहीं, जुलाई में एग्ज़ाम होगा और इस बार दो एग्ज़ाम होगा कंफर्म, जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। सारी चीज़ें अगर जो भी लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज ये रीज़न दे रहे हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज का मतलब ये इनके पास जो भी अरेंजमेंट होती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेता है तो भी जो भी उनको ऑनलाइन सेंटर वगैरह अरेंज करना होता है उसकी प्रॉब्लम ये बता रहे हैं। बट ये रीज़न होना ही चाहिए क्योंकि ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था। बट ये जो सारे माहौल चल रहे हैं इंडिया के अंदर NTA को लेकर, जो भी नीट जैसे बड़े एग्जाम में धांधली, उसके वजह से हो सकता है कुछ। वायलेटर शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ दिस एग्जाम विल बी अनाउंस लेटर थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो फॉर्म तो आपका अप्लाई किया हुआ है, इसके चलते आप अब ढीले नहीं पड़िएगा, क्योंकि आपका जो मोमेंटम बना हुआ मोमेंटम कंटिन्यू रखिएगा एटलीस्ट, ताकि अगर तुरंत अचानक से अगर इन्फॉर्मेशन आया तो आप कंटिन्यू कर पाएँ और एग्ज़ाम अच्छा से दे पाएँ। ओके, सो थोड़ा सा तो कुछ लोगों के प्रिपरेशन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग दिखते भी हुए हैं, कुछ लोग जिसका तैयारी नहीं था वो खुश भी होंगे। तो आई होप आप ऐसे सिचुएशन को अपने आप को खुद को संभाल पाएंगे, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट जिस तरह से चल रहा है इंडिया में अभी ये सीन, आई होप सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। NTA CSIR NET जैसे एग्जाम की जो डिग्निटी है वो मेंटेन है। इसी होप के साथ, बिलीव के साथ हम लोग करते रहेंगे अपना काम। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।